Hello everyone, yes this is Ankit Singh Pal and welcome to Magnet Brains Hindi Medium, जहां आपको मिलता है class 6 to class 12 free education वो भी high quality content के साथ. Students, Magnet Brains Hindi Medium and English Medium provide कराता है आपको CBSE Board के साथ साथ Delhi Board, MP Board, UP Board, Bihar Board and Rajasthan Boards की भी classes, वो भी बिल्कुल free of cost में. Students, Magnet Brains Hindi Medium and English Medium e-notes and e-books की भी facilities provide कराता है, जिसको आप avail कर सकते हैं. Link video के description box में ही दे रखी है. और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, यानी इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना. हाँ या ना? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सर आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़े, जैसा आपको पता है, क्लास 12 का सेकेंड टॉपिक, सेकेंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता. क्या है चैप्टर का नाम? स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता. और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र, जिसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, तथा धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव. हाँ, फिर हम लोग उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे. ये दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, ये हम लोग आज इसमें करेंगे. हाँ या ना? हम लोग सर पढ़ के क्या आए हैं, पीछे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था. हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस. क्या पढ़ा था? कैपेसिटेंस, धारिता पढ़ी थी ना, ठीक है. और उसके बाद हम लोगों ने धारिता देख लिया था, धारिता का काम क्या होता है, संधारित का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है. क्या काम होता है? कि चार्जेस को स्टोर्ड करना. क्या होता है? आवेशों को अपने अंदर स्टोर्ड करना, और जिसको भी जरूरत हो गिव्स एट वंस, एक ही बार में सारे के सारे आवेश दे देना. इसी को बोलते हैं संधारित या फिर कैपेसिटर. इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस. क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस. कैपेसिटर एक डिवाइस है. हाँ, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस भी हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है. हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि कैसे जो कैपेसिटेंस होता है वो ना तो आवेश पर डिपेंड करता, धारिता ना तो आवेश पर डिपेंड करती है और ना ही विभव पर डिपेंड करती है. किस पर डिपेंड करती है? डायमेंशन, विमाएं पर डिपेंड करती है और प्रकृति पर डिपेंड करती है. हाँ या ना? बिल्कुल सर, इतना पढ़ लिया था. इसके बाद हम लोगों ने गोलीय, एक क्या था, एक विलगित गोलीय चालक था, ठीक है, उसका हम लोगों ने धारिता देखी थी. और कितनी निकल के आई थी? C इक्वल टू 4π ε0 r. r मतलब इसमें कहीं पर q आया था? नहीं आया था. v आया था? नहीं आया था. इसका मतलब जो धारिता है वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है. ये सब हम लोग पढ़ते आए हैं. इसके बाद हमने कहा था उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि बहुत एक अगर हम लोग देखें कि एक मीटर का, अगर मान लेते हैं एक मीटर जिसकी रेडियस एक मीटर है, उसका अगर हम लोग धारिता निकालें तो बहुत कम आएगी. कैसी आएगी? बहुत कम आएगी. जो पंखे वंखे में, मतलब इतना, एक तो साइज में इतना बड़ा है, और ऐसे पंखा में कैसे लटकाओगे? इतना बड़ा साइज का गोला अगर पंखे में लटका दोगे, ठीक है, तो पंखा दिखेगा नहीं. तो इसीलिए इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया. क्या बनाया? समांतर पट्टिका संधारित बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया. तो आइए इसको पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अरे सर, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो लाल रंग की घंटी दिख रही है, बेल आइकन, इसको भी दबा दें, जिससे आपको नई नई अपडेट्स समय से मिलती रहें. आइए सर बढ़ते हैं आगे. बात करते हैं अगर हम लोग, सर क्या होता है संधारित, कैपेसिटर क्या होता है. कैपेसिटर एक ऐसा समायोजन है जिससे जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की प्राप्त मात्रा संचित की जा सकती है, तथा विभव कम करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है. सर धारिता क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है? हम लोगों ने कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, कैपेसिटेंस पढ़ ली थी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आवेश को अपने अंदर ग्रहण करे. लेकिन कैपेसिटर होता क्या है? सर कैपेसिटर क्या होता है? एक समायोजन है, बनाया गया है. क्या आप कैसे बनाया गया है? जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, हम लोग उसके आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, किए बिना आवेश की प्राप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, तथा विभव कम करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है. अब हम किसी भी कंडक्टर की धारिता को कम या ज्यादा कैसे करें? मैंने बताया था कि धारिता किस पर निर्भर करती है? विमाएं पर निर्भर करती है. लेकिन अगर हमें किसी संधारित की धारिता को बढ़ाना या घटाना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसके विभव को कम या ज्यादा करके. आकार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, लेकिन उसके विभव को कम कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और विभव को ज्यादा कर देंगे तो धारिता कम हो जाएगी. क्योंकि फॉर्मूला क्या था? सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी. तो देख रहे हो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के. हाँ या ना? अब समझ में आया? तो कैसे हम लोग किसी भी संधारित की धारिता को कम या ज्यादा कर सकते हैं? विभव में परिवर्तन करके. समझ में आया? यस सर. आगे बढ़े.
इसके बाद बात करते हैं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर है हमारा वो किस किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, पढ़ते हैं। संधारित्र का कार्य सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक को समीप, आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक भू संपर्कित है, मतलब अर्ध है हो, तो आवेशित चालक का विभव और भी कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। क्या होता है कि संधारित्र किस कार्य पर वर्क करता है? अगर कोई भी मान लेते हैं आवेशित चालक है, क्या है, एक ऐसा चालक है, मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या है, एक आवेशित चालक है और उसके ऊपर आवेश है, एक आवेशित चालक है, ठीक है। अगर इस आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के पास रख दिया जाए, एक ऐसे चालक के पास रख दिया जाए जो अनचार्ज्ड है, कैसा है, अनचार्ज्ड है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब अभी नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, अनचार्ज्ड है, ठीक है, इस पे रख दिया जाए तो उसका विभव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इधर इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो विभव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि अनावेशित चालक अर्थ है, अगर इस अनावेशित चालक को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, तब क्या होगा, अर्थ क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा जो विभव है वो कम हो जाएगा। जैसे ही विभव कम होगा, और विभव कम हुआ तो धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, एक आवेशित चालक को अनावेशित के पास लाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, विभव कम होने लगता है। अगर उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर दें तो तब तो और विभव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, जैसे ही विभव कम हुआ वैसे ही हमारी धारिता बढ़ गई, तो इस परिणाम स्वरूप आवेशित चालक की धारिता, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया, बिल्कुल सर, बढ़े आगे। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, संधारित्र की धारिता, जिसको नाम होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक, बात करते हैं। माना कि एक्स व वाई धातु की दो समान प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के है, प्लेटों एक्स तथा वाई पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है। माना कि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं कि एक समान व विपरीत आवेशों के दो समतल प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले समझो सर ये पूरा सिस्टम क्या दे रखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बनाया कैसे जाता है, क्या होता है, इधर जरा देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पर एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट हैं, एक पर पॉजिटिव क्यू है आवेश है और एक पर नेगेटिव क्यू आवेश है। ये आया कैसे, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ, किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इस वाली प्लेट को, इसको नाम दे देते हैं एक्स प्लेट और ये नाम है वाई प्लेट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वाई वाली प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, किसके साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने वाई वाली प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट किया, ड्यू टू ऑफ इंडक्शन एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो मैं इसको ऐसे करके बना सकता हूं कि एक प्लेट पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गए और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक। इन दोनों प्लेट, ये कैसे हैं, मेटल की प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, कितनी है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। देखो वही लिखा, माना कि एक्स व वाई धातु की दो समान प्लेटें हैं, एक जैसी प्लेट है, दोनों कैसी हैं, एक जैसी हैं, स्केल आप ले लो, एक आपकी नटराज की स्केल है, दूसरी भी नटराज की स्केल है, उन दोनों नटराज की स्केलों को सामने सामने ऐसे ऐसे पास रख दो, एक नटराज की स्केल को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दो और जो दूसरी वाली नटराज की स्केल है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। समझ में आ रहा, दोनों मेटल के हैं, दोनों कैसी हैं, मेटल के हैं, तो ड्यू टू ऑफ इंडक्शन एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ में आया। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, स्मॉल डी है, ठीक है। अब ये क्या है, एरिया है, सरफेस है, तो यहां पर क्या आएगा, पृष्ठ तनाव,
पृष्ठ घनत्व आएगा, क्या आएगा? पृष्ठ आवेशित घनत्व आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होता है सिग्मा। अब दोनों नटराज की है तो इस पर भी सिग्मा, इस पर भी सिग्मा, ये चीज समझे आया? देखो ठीक, तथा इनका क्षेत्रफल जो है प्रत्येक का ए है, दोनों नटराज की है, सेम सब समान समान है, इसका भी क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल ए है, तथा दोनों के उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, स्मॉल डी हो गई, तथा प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के है, मान लेते हैं इनके बीच में एक डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा है जो पूरे में रखा है, वो उसका परावैद्युतांक के है। प्लेटें एक्स तथा वाई पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है, एक्स पर प्लस क्यू है और वाई पर माइनस क्यू है। माना कि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब दोनों किसकी थी? नटराज की थी, तो एक दोनों का सिग्मा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, जो पृष्ठ घनत्व आवेशित पृष्ठ घनत्व है दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये सरफेस है, क्या है? सरफेस है, तो इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक। हम जानते हैं कि एक समान और विपरीत आवेशों के दो समतल प्लेटों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोगों ने डेरिवेशन किया था गॉस थ्योरम वाले में, याद हो गॉस की प्रमेय में बहुत सारे एप्लीकेशंस किए थे। उन एप्लीकेशंस में क्या था कि एक ऐसे करके मेटल के पीस था, पहले हम लोगों ने बाहर की तरफ निकाला था, यहाँ पर एक मतलब एक सरफेस था, याद आया कि जिसका आंसर आया था ऐसा कुछ E=σ/2ε0, याद आया, वो एक सरफेस था। अब दो सरफेस करेंगे तो दूसरे वाला का भी सेम आ जाएगा σ/2ε0, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2σ/2ε0, 2 से 2 कट गया, क्या कट गया? 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? E=σ/ε0। वहां पर एक प्लेट का σ/2ε0 था, यहां दो प्लेटें हैं तो σ/ε0 + σ/ε0 दोनों को ऐड कर दोगे तो 2σ/2ε0, 2 से 2 कट जाएगा, σ/ε0 बच जाएगा। मतलब हमें पता चल गया कि हम जानते हैं कि एक समान व विपरीत आवेशों के दो समतल प्लेटों के बीच जो किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E=σ/ε0 होगा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए जल्दी से, डायग्राम जो लिया है उसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, क्योंकि हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ये जो बना है ना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक सोर्स है, हंसना नहीं, ठीक है? ऐसी मेरी ड्रॉइंग है, ठीक है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक सोर्स है, बना लिया, ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो तब, मान लेते हैं अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा है तो क्या हो जाएगा, जो इधर लिखा वही इधर लेता हूं, तो E=σ अभी क्या था? σ/ε0 था, तो σ/kε0 आ जाएगा। हाँ या ना? आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ घनत्व होता है, आवेशित पृष्ठ घनत्व, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, तो σ=σ क्या बोलते हो कि कितना आवेश भरा हुआ है उसके एकांक क्षेत्रफल में, उसी को क्या बोलते हो? पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। मतलब σ=Q/A, तो क्या यहां से Q की वैल्यू निकाल सकते हो? मतलब Q की वैल्यू नहीं, इस सिग्मा की वैल्यू यहां पर रख सकते हो? बिल्कुल। तो मैंने इसको इक्वेशन दे दिया, इसमें रख देते हैं, तो E=σ क्या हो गया? Q/kA/ε0। देखो सही है, यहां तक समझ में आया? इसको इक्वेशन डाल देते हैं पहली, कितनी डाल देते हैं? पहली इक्वेशन डाल देते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, जो पैरेलल प्लेट बना था, अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था विभव प्रवणता, पढ़ाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें आपका एक रिलेशन आया था E और V में, एक रिलेशन आया था E=dV/dx, याद आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अगर D को हटा दें, मतलब ये तो छोटे के लिए था, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ E=V/x, x क्या थी? दूरी। अब यहां पर दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है। कहीं ना कहीं क्या बताता था कि दूरी के साथ विभव का चेंजमेंट होना ही क्या कहलाता था? विभव प्रवणता कहलाता था, जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे। और उसका रिलेशन अगर हम वैद्युत क्षेत्र के साथ देखें तो आया था E=dV/dx, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी है, विभव भी है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता हूं E=V/d? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो देखो, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर b हो तब E=, क्या हो जाएगा? V/d हो जाएगा। क्या यहां से मैं v की वैल्यू बता सकता हूं, विभव की वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल सर, बता सकता हूं। तो V=, क्या हो जाएगा? ED, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ये क्या आ गया? v की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, इसको कर देते हैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ले लिया, ठीक। अब समीकरण एक से e का मान समीकरण दो में रख दो। यहां पर जब हम लोग देखे थे, इधर आए थे,
ये देखो, इसको मान लिया था समीकरण एक और इस वाले को मान लो समीकरण दो मान लो, ठीक है। अब ये जो e की वैल्यू है ये यहाँ पर रख दो, कहाँ पर रख दो आके, यहाँ पर रख दो आके। जैसे ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसको करते हैं इरेज, अच्छा इधर देख लो, ठीक है बढ़िया, इधर इरेज करते हैं, इधर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू ई डी है, रख दो जरा, तो v इक्वल्स टू e की वैल्यू कितनी है, q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट d। यहां तक समझ में आया, ये किसके आ गई, v की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, v की, हमें v पता चल गया। क्या हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, c इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन v होता है, रख दो जरा, c इक्वल्स टू q अपॉन q d अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट, कुछ कटेगा, q से q कट जाएगा, ये पूरी चीज ऊपर चली जाएगी, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। समझ में आया आया ना, ये क्या आ गया है, समांतर प्लेटों के बीच का समांतर प्लेटों अगर है तो उसकी धारिता आ गई c इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब जरा इसको देखो और बताओ क्या यहाँ पर q आया, नहीं आया, क्या यहाँ पर v आया, नहीं आया, यहाँ पर d आया, क्या आया, d आया, एरिया आया, एप्सिलॉन नॉट आया, समझ में आया, माध्यम परावैद्युतांक के आया, अगर एयर में रखा है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो धारिता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डी नीचे है और सी ऊपर है, समझ में आया। अगर दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने देखा कि दो समांतर प्लेट थी, इनके बीच का हमने धारिता निकाली, ठीक है, एक को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया था, एक को अर्थ से कनेक्ट कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेटें होंगी, उनके बीच में एक हम लोग कोई प्लास्टिक की रॉड रख दें या पटरी रख दें या फिर कांच की पटरी रख दें, जो मतलब क्या हो, डाइइलेक्ट्रिक हो, कैसी हो, परावैद्युत हो, फिर हम लोग देखेंगे उसके धारिता पर क्या चेंजमेंट आता है, करते हैं, ठीक है चलो। समांतर प्लेटें, प्लेट संधारित की धारिता जो आंशिक परावैद्युत युक्त है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, आइए ठीक है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पहले चलो अच्छा पढ़ लेते हैं, माना एक्स नहीं, पहले पढ़ते नहीं, पहले हम लोग करते हैं, आइए इधर बनाते हैं, ठीक है, पूरा डेरिवेशन इधर साइड करते हैं, चलो बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास, ओके मेरे पास दो पैरेलल प्लेट हैं, एक ये है और एक ये है, एक एक्स है और दूसरी वाई है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, किससे कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, लिख देता हूं इलेक्ट्रिक सोर्स, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ड्यू टू ऑफ इंडक्शन क्या हुआ, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी सर, हमें पता है, कर चुके हैं, स्मॉल डी थी, कितनी थी, स्मॉल डी थी। अब हम लोग क्या, अच्छा इनका एरिया भी कैसा है ये भी बता दो सर, एरिया सेम रहेगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम रहेगी, इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे, परावैद्युत रख देंगे, जिसको मैं बनाता हूं दूसरे कलर से, मान लेते हैं इससे, ठीक है, एक यहां पर परावैद्युत मैंने रख दिया कुछ इस तरीके से, एक ऐसे करके मैंने ये परावैद्युत रख दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत है तो मैंने अभी पोलराइजेशन पढ़ाया था, तो इस पर भी क्या हो जाए, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके बीच का जो दूरी है, मान लेते हैं इसकी मोटाई जो है वो टी है, कितनी है, स्मॉल टी है, इसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल टी है। अब हम लोगों को बताना है, इसकी धारिता बतानी है, आइए पढ़ते हैं जरा, लैंग्वेज पढ़ते हैं। माना x और y समांतर प्लेट की संधारित की दो प्लेटें हैं, x और y संधारित में, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पटरी
जिसका परावैद्युतांक के है तथा मोटाई उसकी टी है तथा प्लेटों के बीच वायु में दूरी जो है वो डी माइनस टी है। जरा इधर देखना, अब वायु कितनी बची, वायु यही यही वाली तो बची जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, बाकी सब में तो कांच की पटरी है। तो इन वायु में जो एयर में कितनी डिस्टेंस बची होगी इस प्लेटों के बीच की, आप कहोगे सर ये पूरी दूरी डी है, डी में से टी घटा दो, डी माइनस टी बची, तो एयर में जो बची वो कितनी बची, डी माइनस टी बची। यहां तक समझ में आया? तो हम लोग एक निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में निकालेंगे और एक इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें निकालेंगे, एक निकालेंगे परावैद्युत में निकालेंगे, के में निकालेंगे। आइए सर देखते हैं, तो किसके लिए देखते हैं, वायु के लिए देखते हैं, इसको येलो से करते हैं, किससे देखते हैं, वायु के लिए देखते हैं। तो एयर के लिए क्या होगा, वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर E इक्वल टू, जिसको E1 दे दो, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया। अब हम लोग किसके लिए देख लेते हैं, परावैद्युत के लिए देख लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिक के लिए देख लेते हैं, किसके लिए देख लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिक का मतलब परावैद्युत के लिए देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, सीधे सीधे क्यों नहीं, सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E2 इक्वल्स टू, और ये परावैद्युत के लिए तो यहां पर के आ जाएगा, E2 इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। हमें किसकी किसकी वैल्यू पता चल गई, एयर में भी पता चल गई और डाइलेक्ट्रिक में भी हमें वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना है विभव बताना है, क्या बताना है, विभव बताना। आइए विभव देखते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। एक रिलेशन था जो मुझे बताया गया था, आपको भी बताया गया था, मैंने ही बताया था, क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र में और वैद्युत प्रवणता में मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन बताया था, E इक्वल टू डीवी अपॉन डीएक्स, जो अभी भी यहां पर बताया है कि E इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डीएक्स होता है। दूरी कितनी है, तो E इक्वल टू डी अतरा दो वी अपॉन डी, अभी अभी किया है। पहले एयर के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, एयर के लिए देखेंगे, फिर किसके लिए देखेंगे, परावैद्युत के लिए देखेंगे। तो एयर के लिए सर कितनी हो जाएगी, इसको करते हैं सर, एयर के लिए कितनी होगी, आओ जरा देखते हैं। तो विभव देखते हैं, क्या देखते हैं, विभव, ठीक, विभव क्या होगा, वी वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एयर के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, एयर के लिए देख रहे हैं, इवन एयर में क्या कितनी चीज बची है, डी में से टी घटा दो, इतनी ही तो दूरी है एयर में, तो यहां पर लिख देते हैं डी माइनस टी, क्योंकि अगर हम इधर देखो E इक्वल्स टू ऐसे करें कि E इक्वल्स टू वी अपॉन डी होता है, तो V इक्वल्स टू ED नहीं हो जाएगा, ऐसे ही मैंने यहां पर E1 लिख दिया और D मतलब दूरी कितनी थी, D माइनस टी बची थी। समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए बढ़ते हैं। E1 निकल आया, ऐसे ही V2 निकाल लेंगे, V2 निकला है, V2 कैसे निकालेंगे, परावैद्युत का देखेंगे, परावैद्युत क्या क्या है, E2 यही तो है, E2 और ब्रैकेट में इस बीच की दूरी कितनी है, टी है, E2 टी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, टोटल वैद्युत विभव बताना है, ठीक है, तो कुल परिणामिक वैद्युत विभव कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ऐड कर दो जरा, V1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू अब यहां पर पुट कर देना, ये जो E1 की वैल्यू है वो पुट कर देना, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी प्लस का साइन, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट और यहां पर ये ऊपर T, सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देख लो जरा, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं Q अपॉन के A, इसमें भी है A, इसमें भी एप्सिलॉन, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा D माइनस टी बचा यहां पर, और प्लस ऊपर T बचा, और नीचे क्या बचा, K बचा, इतना बचा। यहां तक समझ, ये विभव पता चल गया, क्या पता चल गया, विभव। अब हम जानते हैं कि धारिता क्या होती है सर, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, क्या रख सकते हैं फॉर्मूले में, रख दो C इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सर कुछ कटेगा, देखो जरा, Q से Q कट गया और ये A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके भी नीचे है, मतलब ये चला जाएगा ऊपर, तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये क्या आ गया साहब, ये आ गया आपका धारिता, आ गई
कब धारिता आ गई? जब हमने दो समांतर प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत रख दिया जिसका परावैद्युतांक के था और उसके बीच की दूरी कितनी थी? टी थी। समझ में आया डायग्राम? अरे डायग्राम तो समझ में आया होगा, डेरिवेशन समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल सरल है। क्या करना, E1 E2 निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने विभव निकाल लिया, किसकी मदद से? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के एक रिलेशन की मदद से मैंने टोटल विभव निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया, C=Q/V, आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए करें और क्लियर। ओके सर, अब ये जो लैंग्वेज लिखी है वही लिखी है, ठीक है, कि वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल लिया, परावैद्युत पर E2 निकाल लिया, फिर E1 में D-T है और E2 में कितने हैं? T है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने टोटल निकाल दिया। समझ में आया पूरा? आज की क्लास समझ में आई? आज हम लोगों ने दो डेरिवेशन किए सर, कौन कौन से? एक तो पहला किया जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, दो पैरेलल प्लेट थी, उन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में हमने उनकी धारिता देखी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है उसकी धारिता निकाली, फिर उन्हीं दो पैरेलल प्लेट के बीच में समांतर पट्टिका के बीच में हम लोगों ने एक परावैद्युत माध्यम रख दिया, परावैद्युत मटेरियल रख दिया, जिसके कारण हमने देखा कि उस परावैद्युत मटेरियल के आने के कारण क्या उस पर धारिता आएगी, तो हमने वो भी धारिता निकाल ली। समझ में आया? हाँ या ना? अगर आज की क्लास आपको समझ में आई और फिजिक्स से प्यार हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब, हिंदी एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको CBSE बोर्ड के साथ साथ UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम e-notes एंड e-books की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जानकारी इसके लिए आप हम लोगों को, मैग्नेट ब्रेन्स को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लें जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।